नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो तारिणी कोच पे। मैं रेणु चतुर्वेदी। जैसा कि हर साल हम लेके आते हैं पूरे साल का वर्षफल, तो इस बार हम डिस्कस करेंगे वृष राशि के विषय में। वृष राशि का 2022 कैसा जाएगा, उनके लाइफ में क्या क्या चीजें घटित होंगी और उन्हें किन किन चीजों की सावधानी रखना चाहिए। इससे पहले हम एक बात साफ कर दें, कोई भी रेमेडीज या कोई भी जप जो होता है, चैंटिंग हो, कुछ भी हो, या कोई उपाय जो है वो उसी पे ही फलित होते हैं जो कुंडली विशेष पे देख के बताया जाता है। अगर हम नॉर्मल ट्रेंड लेके चले और वृष राशि वाले इस मंत्र का जाप करें, वृष राशि में बहुत लोग होते हैं, मे भी किसी किसी की कुंडली में जो मंत्र बताए गए हैं वो मंत्र उसको सूट ना करें और फल जो है और उल्टा हो जाए, इसलिए कुंडली विशेष पर ही मंत्र बताए जाते हैं। अब हम वृष राशि का पूरा चार्ट एनालिसिस करके बताते हैं आपको कि वृष राशि में कौन से ग्रह कितने कहाँ बैठे हैं और उनके किस भाव में बैठे हैं और क्या फल देंगे। वृष राशि के देखा जाए तो वृष राशि में राहु गोचर में जाएंगे और इसके अलावा उनके 11th हाउस में सूर्य बुध चंद्रमा एक साथ बैठेंगे। क्योंकि सूर्य बुध चंद्रमा है तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिकली लाइफ अच्छी होगी, फाइनेंशियल कंडीशन की अच्छी होगी, फाइनेंशियल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन गुरु और शुक्र एक साथ जाकर के दशम भाव में बैठे हैं। चूंकि गुरु शुक्र दोनों एक राक्षसों के और एक देवताओं के गुरु हैं, लेकिन इनमें वैमनस्यता रहती है, तो जब ये एक साथ कहीं बैठते हैं तो विरोधाभासी चीजों को जन्म देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे टारगेट भी मिलेंगे जिसमें आपको दिक्कतें महसूस होंगी, या फिर आप व्यवसाय में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा चीज मिलेगा जिसे करते हुए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यानी कि अगर हम टोटली एनालिसिस में बताएं तो फाइनेंशियल कंडीशन सही होते हुए भी आपको एंजॉय या खुशियों का उतना क्षण नहीं मिलेंगे। अगर आप इनके सबसे पहले शुरू करते हैं हम इनके जीवन, हेल्थ और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल उनके लिए एवरेज है। शुरुआती जनवरी फरवरी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मार्च अप्रैल मई में प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकते हैं। और इसमें भी खासकर जो कुंडली में योग बन रहे हैं, नवम भाव में मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको पेट और पैरों में समस्या हो सकती है। तो जो भी वृष राशि के लोग हैं अपने खान पान का और अपने वजन, अपनी फिटनेस का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पैरों से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड समस्या दिख रही है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर हेल्थ में बाकी चीजें सही है, वो भी ये प्रॉब्लम जो है जो हमने अभी आपको बताई, ये प्रॉब्लम भी होल लाइफ होल मतलब सॉरी हो पूरे साल नहीं चलेगी, ये प्रॉब्लम भी आपको कंटिन्यू नहीं लेकिन बीच बीच में आती रहेगी। उसमें भी जो सबसे टफ माह होंगे अप्रैल मई जून होंगे और फिर साल में सितंबर अक्टूबर नवंबर होंगे, पूरे साल ही प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाते हैं हेल्थ के बाद इन लोगों की करियर से जैसे मैंने अभी शुरू में ही बताया, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी लेकिन कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन की कंडीशन रहेगी। जितना टारगेट, जितनी मेहनत सोच के चलेंगे, जितना पूरा करने का लक्ष्य रखेंगे, वो फुलफिल नहीं होगा, कहीं ना कहीं अवरुद्ध आते रहेंगे, लेकिन रुकावट नहीं आएगी, कार्य कंप्लीट होगा। इसलिए इसमें आय में कोई कमी नहीं दिख रही है, लेकिन कार्य में विरोधाभासी है, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी पेशा हो या प्रोफेशनल हो, ये तीनों ही क्षेत्रों में इस टाइप की समस्याएं कम ज्यादा आती रहेंगी। अब बात करते हैं इनके मैरिड लाइफ के विषय में या फिर इनके लव लाइफ के विषय में। जिसकी मैरिड लाइफ, जिसकी शादी हो चुकी है, विवाहित लोग हैं, बहुत सचेत रहें। वृष राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, गलत फहमियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिनके पहले से ही लाइफ में कोई है, चाहे वो पत्नी के रूप में या दूसरे रूप में, उनको भी हो सकता है संबंध विच्छेद की संभावना बढ़े, क्योंकि अलगाव तक हो सकता है। कारण ये है कि इस समय के जो सप्तम भाव है उसमें केतु होगा, अगर वृष राशि वालों के सप्तम भाव में केतु जो पूर्ण असर देगा और इसमें कहीं ना कहीं मानसिक तनाव या गलत फहमियां पैदा हो सकती है। जो नए रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन जो अभी किसी ना शादी हुई है और कुंवारे हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, क्योंकि उन जो जिस नए रिश्ते का वो इंतजार कर रहे हैं वो उनकी लाइफ में नहीं आएगा, तो वो भी चीज उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस देगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये भी चीजें जो है अच्छी नहीं संकेत दे रही है लव लाइफ के विषय में। स्वास्थ्य में कुछ महीने खराब रहेंगे, हेल्थ इश्यूज फिर भी ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन, करियर में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन फिर भी एवरेज अच्छा है बाकी लोगों के हिसाब से। लेकिन लव लाइफ के विषय में बिल्कुल अच्छा नहीं है, नए रिश्ते शुरू करने के लिए ना सोचें,
या तो रिजेक्शन मिलेगा या फिर वो रिश्तों में बहुत जल्दी दूरियां पनप सकेंगी। अब बात करते हैं इनके तीसरे यानी हमने जो वो लोग जो छात्र हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साल के शुरुआती समय मार्च तक का समय काफी अच्छा जाएगा। उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर का समय जो है वो कुछ निराशाजनक होगा, निराशा देने वाला होगा। रिजल्ट कॉम्पिटिशन में उतनी सफलता नहीं मिलेगी, इच्छित जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी कोई खास सफलता की उम्मीद नहीं दिख रही है। हाँ, विदेश जाने के अवसर जरूर बन रहे हैं। छात्र जो विदेश जाकर सफल होना चाहते हैं, विदेश में करियर आजमाना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा समय है। तो वृष राशि वालों के लिए, छात्रों के लिए तो फिर भी ठीक समय है, व्यक्ति उनके लिए भी सही समय है जो कि कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि वृष राशि के व्यक्तियों के मैरिड लाइफ और स्वास्थ्य को लेकर ये साल उतना अच्छा नहीं है, ये दोनों चीजें इनको प्रॉब्लम देती हुई हमें दिख रही है। फिर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, पॉजिटिविटी है उनके आय में, पॉजिटिविटी है उनके कार्य क्षेत्र में, पॉजिटिविटी है कहीं ना कहीं भाग्य भी बढ़ेगा। लेकिन भाग्य बढ़ेगा लेकिन उसके शनि का साथ, जो क्योंकि शनि बहुत धीमी गति से करते हैं और बहुत जल्दी उनका बहुत टाइम होता है, तो इसको इस काल में भी इसका असर दूसरे भाव में नहीं माना जाएगा। तो इस वजह से जो है इनका जो टोटली अगर हम एनालिसिस करें तो इसका प्रभाव यही होगा कि वृष राशि वालों के लिए ये साल भाग्य उतना बलवान नहीं है जितना कि इनकी मेहनत बलवान होगी। कार्य क्षेत्र बलवान रहेगा, उतना ही सफलता और उतना ही भाग्य इनका साथ देगा। तो इसलिए अपने मेहनत पे पूरा फोकस करें और कोशिश करें कि मेहनत पर ध्यान दें बजाय और किसी चीज के। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी पूछना हो वृष राशि वालों को तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमारे हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि हर कुंडली, जैसा मैं पहले भी कहती हूँ, मैं किसी भी भ्रम में आपको नहीं रखना चाहती। जो भी कुंडली होती है वो स्पेसिफिक कुंडली भी बहुत कुछ कहती है। पूरी राशि पर 12 ही राशियां होती हैं, उस पर पूरी इतनी बड़ी जनता को नहीं थोपा जा सकता। हर कुंडली कुछ कहती है। हाँ, राशियों का इफेक्ट ये होता है क्योंकि वो मून से गवर्न होती हैं और राशियां जो होती हैं वो चंद्र राशि होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व पे इसका असर पड़ता है। नमस्कार, धन्यवाद।